हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, उसका पार्ट टू। 3.5 का पार्ट वन हमने किया था, जिसमें 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, ये करने वाले हैं। इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, वो क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनसे लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों का ही हर एक क्वेश्चंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन एज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज फूड इन द मेस। ठीक है, एक हॉस्टल के बारे में बता रहा है कि एक हॉस्टल है। ठीक है, वहां पे उसमें एक फिक्स चार्ज है रहने का। अगर आप वहां रह रहे हैं तो आपको इतना पैसा वहां देना ही होगा। इसके बाद नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आप फूड वहां पे लीजिएगा, मेस में जाके खाइएगा जितने दिनों तक, ठीक है, जितने दिन खाइएगा, तो उसका अलग चार्ज है फूड पर डे का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। ठीक है, तो कहता है कि एक स्टूडेंट है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर, एक स्टूडेंट ए जो है वो 20 डेज तक फूड लिया उसने, तो उसको कितना पैसा देना पड़ा, 1000 रुपीस देना पड़ा हॉस्टल में। ठीक है, और एक स्टूडेंट है बी, उसने 26 डेज तक खाया फूड, तो उसको कितना देना पड़ा, 1180 रुपीस जो है वो हॉस्टल में एज अ फीस देना पड़ा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, फिक्स चार्ज निकालना है हमको और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है कि पर डे कितना फूड, मतलब कितना कॉस्ट है, अगर एक दिन कोई फूड खा रहा है तो उसका कितना कॉस्ट है और साथ में फिक्स चार्जेस कितने हैं, ये निकालना। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए वही फिर मानना होगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। ठीक है, हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज एक्स है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो वाई है। ठीक है, तो अब ये मान लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन सबको फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहले कि एक स्टूडेंट है, उसने 20 दिनों तक खाना खाया, तो पहले तो जो फिक्स चार्ज है वो तो उसको देना ही होगा, है ना, जो रहने का चार्ज है वहां फिक्स वो तो देना ही होगा। इसके बाद उसने 20 दिनों तक खाना खाया तो पर डे का कॉस्ट हम क्या लिए, वाई, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20y, इतना में उसको कितना देना पड़ा, तो 1000 रुपीस पेड करना पड़ा, यहां है 1000 रुपीस उसने दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड वन का बात करें कि दूसरे स्टूडेंट का जो बी है, स्टूडेंट बी ने क्या किया, तो उसने 26 डेज तक फूड कंज्यूम किया था, 26 डेज तक फूड कंज्यूम किया था, तो कितना रुपया उनको देना पड़ा था, 1180। ठीक है, तो पहले तो फिक्स चार्ज हमारा एक्स है, मतलब जो रहने का चार्ज है वो देना पड़ा, उसके बाद उन्होंने कितना लिया, 26 डेज तक फूड कंज्यूम किया, तो 26y हो जाएगा इक्वल्स टू है 1180। तो ये दो इक्वेशंस यहां हमारे फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आए, ठीक है, इक्वेशंस आ गए, अब इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको देखिए यहाँ पे लग रहा है कि हम एलिमिनेशन मेथड का यहाँ यूज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लिए, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में
यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, हम टू में वन माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब एक्स प्लस 26y = 1180 में माइनस करेंगे एक्स प्लस 20y = 1000, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, एक्स एक्स तो खत्म हो गया, 26 - 20 तो क्या बचेगा 6y = 180, ठीक है, y का 6y = क्या आ गया यहाँ 180 आ गया, तो इंप्लाइज दैट y = 180/6, देयरफॉर y = ₹30, तो हमको यहाँ ₹30 जो है ये y का वैल्यू मिल गया। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में वन या टू में आप रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम इसको जो है इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुटिंग y = ₹30 इन वन, ठीक है, इक्वेशन वन में हम जैसे इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 20 × 30 = 1000, तो क्या हो गया x प्लस 2 × 3 = 600 = 1000, x = 1000 - 600, देयरफॉर x = ₹400। तो यहां पे देखिए क्या आया, y का वैल्यू आ गया 30, x का वैल्यू आ गया 400, हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, स्टार्ट जो किया था हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो x माना था फिक्स चार्ज एंड y वाज चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो लिख देंगे यहां हेंस फिक्स चार्ज ऑफ द होस्टल इज ₹400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड सर्वड पर डे इज ₹30। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4 का सेकंड, ठीक है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। कहता है कि एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 में चेंज हो जाता है जब 1 सबट्रैक्ट किया जाता है उसके न्यूमिनेटर में, ठीक है, न्यूमिनेटर से 1 को सबट्रैक्ट करने पे वो 1/3 हो जाता है, और जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो एकदम सिंपल है, ठीक है, पहले हमको क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है, क्या करना है, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स, हम न्यूमिनेटर को एक्स ले लेते हैं और डिनोमिनेटर भी वाई, डिनोमिनेटर को वाई ले लेते हैं, सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाय वाई ही होगा, फ्रैक्शन हो गया एक्स बाय वाई, न्यूमिनेटर क्योंकि एक्स है डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, हमने ये मान लिया। ये मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, मतलब कि एक्स बाय वाई है, पहले फ्रैक्शन मान लिए ये, ठीक है, अब कहता है कि न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर में हम वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, तो क्या आया, वो फ्रैक्शन हो गया 1/3, ठीक है, जिसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × y तो y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x - 3, तो यहां पे देखिए देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिल गया 3x - 3, इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए, ठीक है, y का वैल्यू मिल गया हमको 3x - 3, डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है, तो हम यहां पे सिंपली क्या यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे यहां, है ना, y का वैल्यू मिल गया हमको, तो अब क्या कह रहा है, देखिए अब हमको कहता है कि व्हेन, हाँ, अब डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड जब करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4, मतलब एक्स बाय वाई में क्या ऐड कर रहे हैं 8 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या हो रहा है 1/4 हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × ये तो सेम ही रह जाएगा y + 8
और ये क्या हो जाएगा 4 into x 4x, ठीक है, 1 into y 1 into 8 y plus 8 वैसे रह गया, और उसके बाद 4 into x तो 4x। अब आप y को इधर लेते आइए, आपके पास क्या है 4x minus y equals to 8। अब हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं जो यहां पे आया था, 4x minus 3x minus 3 equals to 8। तो ये आया कहां से, तो फ्रॉम 1, यहां फ्रॉम पूरा लिख लीजिएगा, ये फ्रॉम 1 आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब यहां पे क्या हो गया, 4x minus 3x plus 3 equals to 8, यही आ रहा है ना, 4x minus 3x plus 3 equals to 8। तो 4x minus 3x क्या हो जाएगा, x 3 को उधर भेज दीजिए, 8 minus 3 equals to 5। तो यहां पे x का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। अब क्या है, तो y का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है, तो पुटिंग x equals to 5 in 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y is equals to 3 into 5 minus 3, यही है, तो 15 minus 3, 3 5 is 15, तो क्या आ गया y is equals to 12 आ गया, है ना। तो अब देखिए, x हमने किसको माना था, x माना था न्यूमिनेटर को, और y किसको माना था, तो डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन क्या था, x by y, तुमको फ्रैक्शन ही निकालना है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x by y यानी 5/12। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/12, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस ने एक टेस्ट में कितना स्कोर किया, तो 40 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, जिसमें कि उस टेस्ट का जो शर्त क्या था कि अगर आप एक आंसर सही लिखते हैं तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा सही आंसर पे, और अगर कोई आंसर गलत है तो उसपे आपको 1 मार्क्स कट जाएगा उस आंसर पे, ठीक है। तो इस तरह से उनको 40 मार्क्स मिला, पर अगर क्या है कि आगे कि अगर उसको 3 की जगह 4 मार्क्स मिला होता हर एक करेक्ट आंसर पे, मतलब सही आंसर पे कितना मिला होता, 4 मार्क्स मिला होता, और इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स कटे होते, तो वो जो है 50 मार्क्स स्कोर करते, ठीक है, यस स्कोर करता कितना, 50 मार्क्स स्कोर करता, ऐसे 40 किया। तो आपको क्या बताना है, तो आपको कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा नहीं है, पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अज्यूम ही हैज नॉट स्किप्ड एनी क्वेश्चन, ठीक है, आपको अज्यूम ये करना है यहाँ पर कि उसने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है, या तो क्वेश्चन का आंसर लिख, हर एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है, कुछ गलत हुए हैं कुछ सही हुए हैं, ठीक है, ये आपको मान के यहाँ चलना है। अगर उन्होंने कोई आंसर छोड़ दिया होगा तब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हम नहीं लिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता जरूर लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा कितना क्वेश्चन उन्होंने मतलब छोड़ दिया, यस ने कितना क्वेश्चन छोड़ दिया, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग मानेंगे कि क्या कहते हैं कितने क्वेश्चन उन्होंने सही दिए जवाब और कितने के गलत जवाब दिए, इसको हम मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड दैट ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी वाई, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड दैट ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी वाई, ठीक है, ये हमने ले लिया, करेक्ट हो गया x, इनकरेक्ट हो गया y, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, x प्लस वाई, ठीक है, उसको आपको याद रखना है यहां पे, या लिख लीजिए वो भी, टोटल नंबर ऑफ हमको यही निकालना है, x प्लस वाई का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझते हैं इसमें क्या कह रहा है, कि यस ने 40 मार्क्स स्कोर किया जब एक करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिल रहा था, एक करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिल रहा था, तो एक्स करेक्ट आंसर्स पे कितने मिलेंगे, 3x,
है ना, यही ना। अगर एक करेक्ट आंसर पे 3 नंबर है, 10 करेक्ट आंसर पे 30 नंबर मिलेगा, क्योंकि हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे x है, तो x करेक्ट आंसर पे क्या मिलेगा, 3x, तो उनको 3x उनको मार्क्स मिला करेक्ट पे। अब इनकोरेक्ट का अगर हम बात करें, तो इनकोरेक्ट पे हर एक इनकोरेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो गया, डिडक्टेड हुआ, 1 मार्क्स कटा, तो क्या हो गया। और है कितने इनकोरेक्ट आंसर, तो y है, तो 1 into y, है ना, y को इंटू करेंगे 1 से, तो 1 into y क्या होता है, तो y होता है, है ना, 1 into anything equals to that thing, है ना। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आ गए, तो 40 आ गए, मतलब इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये करने के बाद जो हमारा दूसरा, अगर हम दूसरे को माने, ठीक है, जो सेकंड हमारा इक्वेशन यहां बनेगा, या यहीं पे लिख लेते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन जो हमारा फॉर्म हो रहा है उसमें देखिए क्या है कि 40 मार्क्स जो है, ठीक है, 4 मार्क्स जो है उनको करेक्ट आंसर में मिले थे अगर, और 2 मार्क्स रिड्यूस होते तो कितना मार्क्स होता, मतलब तो 50 मार्क्स होता, ठीक है। तो अब यहां लिखा हुआ है कि 4 मार्क्स अगर मिलते करेक्ट आंसर पे, 4, यहाँ पे 3 मिल रहा था, 3x, तो 4 मिलेगा, तो 4x, और यहाँ पे 1 रिड्यूस हो रहा था, तो 1y, यानी y, और यहाँ पे कितना रिड्यूस होने लगा, अब 2y रिड्यूस हो रहा है, इक्वल टू कितना हो गया, 50, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, हम x आंसर सही थे और हर एक पे 3 नंबर मिला था सही वाले पे, तो 3x, y आंसर्स गलत थे और हर एक पे 1 नंबर घट रहा था, तो -1y, तो y हो गया, और कितना टोटल मार्क्स इससे मिला उनको, 40। अगर वहां पे 4 नंबर होता, 3 की जगह 4 होता, तो 4x हो गया, 1 की जगह पे 2 होता, तो 2y हो गया, तो मार्क्स कितना होता, 50 होता, यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए, एक हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, एक सब्स्टिट्यूशन से किया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस 40 को इधर लेते आते हैं, 3x-y-40 equals to 0, और यहां पे क्या आ जाएगा, 4x-2y-50 equals to 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हमको वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला होगा तभी सॉल्व होगा, है ना। तो इसको जो है अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारे पास देखिए यही दोनों इक्वेशंस आए थे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आए थे। तो यहाँ पे अगर हम a1 का बात करें, तो a1 कितना है, 3, b1 कितना है, -1, और c1 कितना है, -40। वैसे अगर a2 का बात करें, तो a2 क्या है, 4, b2 क्या है, तो -2, C2 क्या है, तो -50। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए हमने पिछले वीडियो में ही देखा था हमको कौन सा वर्ड याद रखना है, तो बी कैप, है ना, ये याद रहेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऊपर एक्स, वाई और 1 लिख देना है, ठीक है, और क्या लिखना है, तो बी कैप लिखना है, एक्स से पहले बी, एक्स वाई के बीच में सी, वाई और 1 के बीच में ए, और फिर 1 के बाद बी, फिर से इसको सेम इसके नीचे बी कैप लिख देंगे, और ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2 लिख देंगे। ये लिख देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब एक्स अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b1c2-c1b2 इक्वल्स टू वाई अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, c1a2-a1c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a1b2-b1a2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। अब ये फॉर्मूला है तो बस इस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो x अपॉन ये करते हैं, तो इस x वाला लिख लेते हैं, b1c2-c1b2 इक्वल्स टू 1/a1b2-b1a2, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम वैल्यू पुट करते हैं, b1c2 का क्या वैल्यू, b1 is -1, c2 is -50,
इसके बाद C1 का वैल्यू क्या है, तो -40, और B2 का वैल्यू क्या है, तो B2 का वैल्यू है -2। इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गया 1/ A1 का वैल्यू, देखिए A1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू -2, फिर है बीच में माइनस, इसके बाद है B1 का वैल्यू -1 और A2 का वैल्यू 4। ठीक है, ये करने के बाद अब अगर हम यहां देखें x अपॉन, देखिए क्या आ रहा है, अब हमको आ रहा है यहां 50, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 50 × 1 50, उसके बाद -80 इक्वल्स टू 42 × 80, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहां माइनस आ गया -80 इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए 2 × 3 = 6, -6 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये आया हमारे पास। तो यहां देखिए क्या हो गया, ये x अपॉन हो गया -30 इक्वल्स टू 1/-2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 30 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/2, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 15, x का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमको मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए फिर अब इसको इससे इक्वेट करना होगा, तो इसका तो वैल्यू देखिए क्या आया 1/-2, अब y के वाले वैल्यू को बस इससे हम इक्वेट कर देंगे, है क्या हमारे पास y अपॉन C1A2 - A1C2 इक्वल्स टू 1/-2। ठीक है, तो y अपॉन क्या है C1A2, C1 इज -40, A2 इज 4, माइनस A1C2, A1 इज 3, C2 इज -50 इक्वल्स टू 1/-2। तो देखिए ये क्या हुआ, अब आ गया आपका 44 आर 160, है ना, और साथ में माइनस का साइन, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 3 = 15, तो ये क्या हो गया 150 इक्वल्स टू 1/-2। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वाई अपॉन -2 इक्वल्स टू 1/-2, सॉरी वाई अपॉन -10 इक्वल्स टू 1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल्स 10/2 इक्वल्स टू 5, है ना, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब क्या हमको निकालना था, हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने थे, जो क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है यहां, तो 15 + 5, तो कितना क्वेश्चंस हो गए 20। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू 15 + 5 इक्वल्स टू 20। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, एक हाईवे पे दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। तो कहता है कि एक कार जो है ए से स्टार्ट किया, एक कार बी से स्टार्ट हुआ, तो कहता है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम ट्रेवल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक इधर से जा रहा है इसी तरफ और ये भी इधर से ही जा रहा है, ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो डिफरेंट स्पीड्स में, तो दे मीट इन 5 आवर्स, कहते हैं कि ये दोनों कितने देर में मिलेंगे, तो 5 आवर्स में मिलते हैं। और अगर जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब कि ये अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एक इधर चल रहा है दूसरा इस तरफ आ रहा है, तो ये 1 आवर्स में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों कार्स का स्पीड, दोनों कार्स का स्पीड आपको बताना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, याद रखना होगा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या कहता है, कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। ठीक है, मतलब सिंपली, मतलब जो
जो फास्ट है, ठीक है, जिसका स्पीड ज्यादा है उसमें हम कम वाले का स्पीड माइनस कर देंगे। ये होता है रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पर अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ये एड अप हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, बस इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है। हम उसका क्या स्पीड ले लिए, एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है। जो कार कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, है ना। उसके बाद एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम, जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसका ले लिए वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। उसका स्पीड क्यों हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है। अगर डिस्टेंस आपका मिनट में, सॉरी, डिस्टेंस अगर मीटर में दिया होता, टाइम मिनट में दिया होता, तो वैसे ही स्पीड ले लेते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, इजिली आप बना सकते थे, सॉल्व करना आसान हो जाता। नहीं तो हमको फिर अगर हम इसको मान लीजिए मीटर पर सेकंड में मान लेंगे तो फिर इन दोनों को मीटर और सेकंड में चेंज करना होगा, या इसको फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में वैसा ही यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर ले लिए, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम यहाँ पे फॉर्मूला एक तो ये रिलेटिव स्पीड का यूज करने वाले हैं, और दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इधर चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड बाय, सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है कि दोनों जब एक दूसरे से मतलब अपोन कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ये वाला, तो कितने देर में मिलते हैं, 5 आवर्स में मिल रहे हैं। सेम डायरेक्शन यानी कि एक्स माइनस वाई इनका स्पीड है, क्या है, स्पीड है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई अगर स्पीड है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ, 100 अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई, टाइम कितना लगा, तो 5 आवर्स लगा। तो यहां से क्या हो गया, 100 इक्वल्स टू, या सिंपली आप लिख सकते हैं इधर वाला, या लिख लेते हैं 100 इक्वल्स टू 5x माइनस 5y, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद अगर हम सेकेंड इक्वेशन का बात करें, एंड का बात करें, जो दूसरा इक्वेशन यहाँ फॉर्म होता है वो क्या है, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, उनका स्पीड एड हो रहा है स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या था, 100 ही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसके बाद टाइम जो है हमारे पास वो है 1 आवर, ठीक है। टाइम क्या है, 1 आवर, बस इसको हम सिंपली फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल लिख सकते हैं 100 माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, उसके बाद आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, उसी तरह से उस एक्स सॉरी वाई का वैल्यू मिल जाएगा, फिर वहां से हम वाई का वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इस क्वेश्चन में भी हम आपको इक्वेशन बना के दे देंगे, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो घट जाता है, कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाता है अगर लेंथ को हम 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं तो इंक्रीज कर जाता है एरिया, कितना, तो 67 यूनिट्स जो है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स जो है एरिया। तो इसे हमको करना क्या है, तो हमको इसमें डायमेंशंस निकालने हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है, हमको रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना है। तो उसको डायमेंशन को कुछ लेना होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ठीक है, ब्रेथ क्या ले लिए, वाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि अगर हम किसको घटा रहे हैं, लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट्स, लेंथ है हमारा एक्स, उसको क्या कर रहे हैं 5 यूनिट्स घटा रहे हैं उसमें। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट्स, कितना यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स कर रहे हैं। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना एरिया निकलेगा। अब ये लेंथ है, अब ये ब्रेथ है, और एरिया क्या है हमारा, एरिया है एक्स वाई। अब ये जो एरिया था पहले का उसमें कितना घट जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स वो कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स घटा रहे हैं, ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो एरिया जो है वो 9 यूनिट्स घट जा रहा है। तो एरिया तो एक्स वाई है, ये 9 यूनिट्स घट जा रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, यही ना करते हैं। तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू थ्री, तो 3x, 5 इंटू वाई, तो -5y, -5 इंटू थ्री, तो -15 इक्वल्स टू एक्स माइनस 9, 3xy माइनस 9। देखिए दोनों तरफ अगर सेम चीज होता है इक्वल टू के, तो हम उसको डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब ये 15 क्या है, माइनस में उधर भेज दीजिए, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 15। तो आपका जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 जो है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां आ गया। ठीक है, अब दूसरे बार क्या कह रहा है, सेकंड जो हमारे पास है इक्वेशन जो फॉर्म होने वाला है वो क्या है, देखिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को अगर हम 3 यूनिट बढ़ा दें, लेंथ को क्या कर रहे हैं हम 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को भी क्या कर रहे हैं 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो एरिया देखिए क्या हो रहा है, एरिया इज इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। एरिया जो है हमारा, एरिया क्या है एक्स वाई, वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 67 यूनिट्स से। तो फिर सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां मल्टीप्लाई किए थे वैसे यहां मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू टू तो प्लस 2x, 3 इंटू वाई तो 3y, 3 इंटू टू तो प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई, एक्स वाई फिर कैंसिल आउट, 6 को उधर भेज दीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, देयरफॉर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर मान लीजिए आपको वाई को एलिमिनेट करना है तो इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। 6 को इधर लेते आइए, 61 को इधर लेते आइए, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिख के इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये अभी ये भी आपका होमवर्क हो गया, आपको ये सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सरसाइज 3.5 फिनिश हो गया। अगर आप लास्ट के दो क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए हैं आपको खुद बनाने के लिए, अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, हम बता देंगे। थैंक यू।